मैं मिला था जट प्रभजोत से कि कहाँ से मैनेज हो गया यार, इतना समझ से बाहर है। पर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज कल से 5 मिनट पानी में भीगा हूँगा बारिश के, और आज कोल्ड हो गया, बुरा हाल है। इसलिए आवाज़ भी बैठी बैठी सी, और ज़्यादा बोला भी नहीं जा पा रहा है। बट आज मौसम खुल चुका है, धूप तो नहीं निकली है, बट धूप जैसा माहौल बना हुआ है उतनी कोल्ड नहीं है। बारिश का तो अभी कोई नामो निशान नहीं है, तो मैं इसी बात से सोच रहा हूँ कि फटाफट जाके आज बाइक की सर्विस करा दूँ। वैसे अपॉइंटमेंट मैंने कल की ली हुई थी, पर बारिश इतनी थी कि मैं जा नहीं पाया। फिर ऐसे घूम कर आ गया ना, जैसे कि मैंने दिखाया भी था। आज मौसम साफ है, हल्का बहुत कीचड़ होगा बस, इसीलिए जाते हैं और बाइक की सर्विस करा लेते हैं फटाफट। मौसम तो मैं आपको दिखाई दूंगा ही बाहर, अच्छा हो रखा है आज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। तो फिर यार ज़्यादा बात नहीं करते, बोला भी नहीं जा रहा, और निकलते। पर उससे पहले एक छोटा सा काम है, वो निपटा लेंगे, और उसके बाद मैंने वैसे फ़ोन करके बोल दिया सर्विस सेंटर पहुँचेंगे। सर्विस के साथ साथ एक और काम करवाना है, वो भी मैं सोच रहा हूँ आज करवा ही लूँगा, वरना बाहर ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। सो राइट यार, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम कम है ऑलमोस्ट। सो यार चलिए, थोड़ा बहुत काम था इधर, वो काम मैंने निपटा दिया, निपटा भी दिया, नहीं भी निपटाया, ऐसा ही कुछ है। क्योंकि सोमवार था ना, सोमवार को ज़्यादातर शॉप्स यार बंद ही होती है यहाँ पे, अब जा सकते सुकून से बाइक की सर्विस कराने के लिए, जितना मर्जी टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12:40 हो गए, 1 बजे उनका लंच चालू हो जाएगा, 1 से 2 का बैठे रहो, फिर एक घंटा बेले वहीं पे, क्या ही कर सकते हैं। और जुखाम ने ना भाई बुरा हाल कर दिया कोल्ड ने। कोल्ड सबसे बेकार बीमारी है, सबसे बेकार, कोई ला इलाज बोलते ना वैसी सी है ना। पूरा फीवर आता है, ना उतरता है ना चढ़ता है, ना मात्र का फीवर आएगा थोड़ी देर, फिर ठीक हो जाएगा। और ये जो नाक बंद होता है ना, एक नाक बंद एक नाक खुला, इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यार, पता नहीं क्या करे। पहले यार छोटे में सबने नोटिस किया ही होगा, बारिश का वेट करते थे कब बारिश आएगी, और नहाने भाग जाते थे फटाफट। और एक एक घंटा बारिश हो तभी भी नहा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता था शरीर को। अब 5-10 मिनट अगर पानी में भीग जाए ना बारिश के, अगले दिन कब बीमार हुए ये पता नहीं चलता। पहले ये नहीं पता चलता था कितने देर बाहर निकल गए बारिश में, अब ये पता नहीं चलता है कब बीमार हो गए झट से। पर फ़र्क ये भी हो, बारिश के दिनों का मौसम में होता था, और ये अभी थोड़ा सर्दी चल रही है, सर्दी के टाइम में ऊपर से बाइक चलाते टाइम गीले हो गए तो दिक्कत हो जाता। और वैसे भी टाइम बीमार होने का चल रहा है, घर पर सब बीमार हो रहे हैं, पहले पापा हुए फिर मम्मी, अब मेरी बारी। बस वही बीमारियाँ चल रही हैं, बस अपने आप को बचा के रखना है कैसे भी। एक बार स्नोफॉल हो जाए ऊपर की तरफ, फिर मैं भागूंगा स्नो देखने। अभी जहाँ तक मेरा रेंज है वहाँ तक स्नोफॉल हुआ नहीं है, और जहाँ शिमला में हो गया वहाँ तक मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाता है, और ऐसे स्नोफॉल के टाइम पे बाइक चलाना थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। पर ये वेदर देखो, आज खुल चुका है, धूप निकल चुकी है। हाँ, ये हल्की हल्की धूप भी ना कई बार इतनी कीमती लगती है ना, पूछो मत। 2 दिन से 3 दिन से कहूंगा मैं कंटिन्यूस बारिश था यार, पूरा वीकेंड खाया बारिश ने, पूरा का पूरा वीकेंड खाया मुझे से। पर अब मौसम खुल चुका है, सब कुछ फाइन एंड फिट हो चुका है, धूप निकल चुका है, बस ऐसी धूप निकलनी चाहिए। बट एक बुरी खबर भी है ना इसके साथ साथ, ऐसी धूप निकला रहेगा तो मौसम खुल गया इसका मतलब, और फिर मौसम खुल गया मतलब स्नोफॉलिंग भी नहीं होगी। जब यहाँ पे अच्छी खासी थंडरस्टॉर्म हो, बारिश हो, और ओले पड़े ना, जैसे उस दिन ओले पड़े थे तो ऊपर हिमाचल में स्नोफॉलिंग होगी थी तगड़े वाली। तो इसका मतलब ये हुआ, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ मिल सकता है, या तुम धूप ले लो या स्नो के मज़े ले लो। आगे सर्विस सेंटर खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। ये बाइक की सर्विस, और मैंने कांड कर दिया। ले आओ दे दो, जिसमें थोड़ा सा वो दे दो।
कांड कॉम्प्लीमेंट्री चाय मिली थी, वो भी मैंने आधी गिलास गिरा ही दिया वहाँ पे भाई ने जो भी पूछा है। भलाई का जमाना नहीं है। मैंने बुरा कर दिया। बार बार आने का फायदा ना, लोगों से जान पहचान हो जाती है तो कुछ नहीं बोलते। वरना मेरी बैंड बजा देते। एक गिलास चाय खराब हो गया मेरी वजह से और सर्विस भी डन हो गई है। होप्सो की प्रॉब्लम ना है। और खर्चे तो ख़त्म हो ही नहीं रहे, पहले ट्रिप का खर्चा फिर सर्विस का खर्चा। एक प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए पता चला अब एक और खर्चा, इसके अगले टायर घिस चुके हैं, अपने को दोबारा टायर पे खर्चा करना पड़ेगा। बैंड बच गई है। ये देखो सेम चीज़ जो मेरे माइंड पे चल रहा था, फ़ोन माउंट यहाँ पे लगा लिया जाए, पता भी नहीं चलेगा। और अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है ब्लैक टू ब्लैक। और मैंने भी सेम चीज़ ऑर्डर कर दिया अमेज़ोन से, बाहर मिल नहीं रहा तो ये मिलेगा अमेज़ोन पे, 9-10 तारीख को आ जाएगा मेरे पास। ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है ब्लैक टू ब्लैक, और पता भी नहीं चल रहा इतना ज़्यादा, भद्दा नहीं लगेगा। जो यूज़ ना हो तो इतना छोटा सा कर लो, यूज़ हो तो बड़ा कर लो। मैंने फ़ोन पे लगा के देख लिया, यहाँ पे फ़ोन अच्छा लग रहा है, मेरे बाइक पे भी ठीक ही लगेगा, थोड़ा सा बेकार लग रहा है बट काम चलाना पड़ेगा इतने से ही, हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से तो नहीं हो सकता। सर्विस होने के बाद बाइक कैसे चमक रही है, पूरी मस्त अच्छे से सफाई हुई है बिल्कुल। आज बाइक की सर्विस तो यार अच्छे से हो गई है, इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा भी चला भी चुका था। पहले तबीयत ख़राब थी, वहाँ गया और उन्होंने बात बताई कि और खर्चा होने वाला है, वो सुन के तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये देखो ये टायर है ना, यहाँ पे हल्के हल्के बम्प्स आ गए, साफ छूने से पता चल रहा है। बीच में उभरा है और यहाँ पे फ्लैट है थोड़ा, यहाँ पे फ्लैट है, वोवल हो रहा है थोड़ा सा टायर। अब ये सुन के बस मेरा सिर दुख रहा है बहुत ज़्यादा, जुकाम ने साथ छोड़ा नहीं, सिर दुख रहा था, पर ये सुन के और भी ज़्यादा दुखने लगा कि कहाँ से मैनेज होगा यार, इतना समझ से बाहर है, पर करेंगे कुछ। पर आज 2-3 सब्सक्राइबर भी ऐड हो गए, जितने भी वहाँ पर थे ना तो सब पूछने लगे, कैमरा देख GoPro देख के, तो मैंने बताया हाँ ये तो चैनल पूछा और फिर उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, ये भी एक फ़ायदा हो गया मेरे लिए वहाँ पे। सो उन्हें भी वो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा यार, मेरे भी सब्सक्राइबर गेन हो गए। तो और उनमें से यार सबका 2-3 का ये सपना था, उन्हें जेट प्रॉप जोत से मिलना था उनका सपना, और जो वो देख रहे ना वो मेरा पूरा हो चुका है। मैं मिला था जेट प्रॉप जोत से, वो बात फिर कभी करेंगे, अगले व्लॉग में बताऊँगा मैं आपको। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो आई होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर नहीं तो फिर सजेशन दे सकते हो। ऑलराइट, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मैं देख लूँ फिगर आउट कर लूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है।